champion. Champion of the champions. Kitaresh Natesan, India. नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जो था एक इंडियन आर्मी बॉडी बिल्डर को लेकर। अभी साउथ कोरिया में हाल ही में हुई 11वीं वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में उन्होंने गोल्ड जीतकर देश का नाम रोशन किया था और उनका नाम है अनुज तालियान। उनका वीडियो का लिंक मैं दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और ऊपर आई बटन भी आप क्लिक करके उनका वीडियो को आप देख सकते हो। तो दोस्तों उनका वीडियो अपलोड करने के बाद एक यूज़र ने बोला कि उसी कंपटीशन में और एक इंडिया के बॉडी बिल्डर है जिनका नाम है चित्रेश नटेशन, उनके ऊपर एक वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों आज के वीडियो उनके ऊपर है, लेकिन इससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल में नए हैं चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग और अपडेट न्यूज़ इस चैनल में हम लोग डेली अपलोड करते रहते हैं। और सब्सक्राइब करने का जो घंटा वाला बटन है वो ही प्रेस कर दे, इससे क्या होगा जब भी हम कोई ऐसी वीडियो अपलोड करेंगे इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुँच जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों उसी कंपटीशन में अभी जो साउथ कोरिया में 11वीं वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप हुआ, इसी कंपटीशन में अनुज तालियान के अलावा और एक इंडिया के बॉडी बिल्डर है जिनका नाम है चित्रेश नटेशन, उन्होंने एक बहुत बड़ा खिताब अपने नाम किया है। वो इंडिया के लिए एक ऐसे लौते बॉडी बिल्डर है और इंडिया के ऐसे एक फास्ट बॉडी बिल्डर है जो उन्हें मिस्टर यूनिवर्स और फिजिक्स स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में ओवरऑल चैंपियनशिप में जीतकर देश का नाम रोशन किया है। दोस्तों उन्होंने जो कंपटीशन जीता मिस्टर यूनिवर्स और फिजिक्स स्पोर्ट्स चैंपियनशिप, उनको ये जीतने के लिए उनको कम्पीट करना पड़ा 2019 मिस्टर वर्ल्ड के साथ। दोस्तों चित्रेश नटेशन को मिस्टर यूनिवर्स और फिजिक्स स्पोर्ट्स चैंपियनशिप जीतने के लिए 2019 मिस्टर वर्ल्ड को हारना पड़ा। दोस्तों बॉडी बिल्डर चित्रेश नटेशन के बारे में और भी बात करें तो वो लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन से ग्रेजुएशन की पढ़ाई कम्प्लीट की। चित्रेश नटेशन की बॉडी बिल्डिंग की बात करें तो पहले वो स्कूल और कॉलेज में वो हॉकी के प्लेयर थे और तब से वो जिम जाना स्टार्ट किया और जिम में जो बड़े बड़े पोस्टर लगा होता है ना, जैसे कि आर्नोल्ड काइग्रेन जैसे बड़े बड़े बॉडी बिल्डर की पोस्टर लगा होता है, वो पोस्टर देख के उनका इंस्पिरेशन जाएगा। फिर उन्होंने बॉडी बिल्डिंग को प्रोफेशनल तरीके से लेना स्टार्ट कर दिया। फिर उन्होंने 8 से 9 साल बाद प्रोफेशनल तरीके से स्टेज पर बॉडी बिल्डिंग की परफॉर्म करना शुरू किया। फिर दोस्तों उन्होंने मिस्टर दिल्ली 4 बार जीता, फिर उन्होंने मिस्टर इंडिया, मिस्टर एशिया, मिस्टर दुबई, मिस्टर वर्ल्ड, अब वो मिस्टर यूनिवर्स और फिजिक्स स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में भी अपना दबदबा कायम किया। दोस्तों बॉडी बिल्डर चित्रेश नटेशन की डाइट प्लान और जिम टाइमिंग की बात करें तो वो डाइट में अपना 40 एग व्हाइट लेते हैं, 1 किलो चिकन ब्रेस्ट लेते हैं, फिश वेजिटेबल राइस वो वगैरह लेते हैं और डेली 300 ग्राम प्रोटीन वो इंटेक करते हैं और वो जंक फूड वगैरह जैसे स्वीट्स डीप फ्राइड स्नैक्स वो एकदम से नहीं लेते और उनका जो जिम का टाइमिंग है वो 5 से 5.5 घंटा डेली जिम में व्यय करते हैं। बेसिकली दोस्तों चित्रेश नटेशन केरला से है और दिल्ली से होकर बॉडी बिल्डिंग कम्पीट करते हैं। दोस्तों अभी हाल ही में हुई साउथ कोरिया में 11वीं वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में अनुज तालियान के अलावा चित्रेश नटेशन भी एक ऐसा बॉडी बिल्डर है जो इंडिया का नाम रोशन किया है। दोस्तों आज के इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है, जो इंडिया के बड़े 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 बिल्डर हैं उन लोगों को एक सम्मान मिले, उन लोगों को सभी लोग पहचाने एक वीडियो के जरिए, एक यूट्यूब चैनल के जरिए। तो दोस्तों आप इंडिया में कोई भी जो पॉपुलर स्पोर्ट्स होता है जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कोई भी आप स्पोर्ट्स देख लो, इसी में आप जितना भी प्लेयर होता है सभी को लोग पहचानते हैं। लेकिन इंडिया में जो बॉडी बिल्डर है, इतना जो पॉपुलर बॉडी बिल्डर्स है, कोई भी एक नाम आप देख लो, जो बंदा जिम से जुड़ा होता है वही लोग पहचानेंगे और बाकी जो लोग होते हैं वो बॉडी बिल्डर को नहीं पहचानते। लेकिन आप देख लो इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया के जो बॉडी बिल्डर है वो इंडिया का नाम कैसे रोशन कर रहा है, अपनी खुद के बलबूते पर, अपनी खुद की कमाई से, अपनी खुद की पैसे से वो लोग इतना ज़्यादा कर रहा है, लेकिन सरकार से उन लोगों को इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। जब इंडिया की क्रिकेट टीम या हॉकी टीम बाहर कोई देश में एक बड़ा लेवल की मैच जीतकर इंडिया में आते हैं तो एयरपोर्ट में इनका बहुत ज़्यादा स्वागत किया जाता है। जब एक इंडिया के बॉडी बिल्डर कोई इंटरनेशनल लेवल पर इतना बड़ा अचीवमेंट पाके इंडिया आता है तो एयरपोर्ट में आप गिने चुने जो उन लोग जिस जिम में वर्कआउट करते हैं वो लोग और फेडरेशन के कुछ लोग ही वहाँ पर होता है, लेकिन उन लोगों का इतना ज़्यादा स्वागत नहीं किया जाता। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बोलना चाहूँगा, जो इतना ज़्यादा बॉडी बिल्डर इंडिया के मेहनत कर रहे हैं और इंडिया के नाम रोशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए एक वीडियो है, ये वीडियो को सबके साथ शेयर करो। और जो मैं पहले वीडियो बनाया था अनुज तालियान का, वो वीडियो भी आप देखो, वो वीडियो भी आप सबके साथ शेयर करो, जो इंडिया के लोग हैं वो लोगों को पहचाने, इंडिया के जो अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर है वो लोगों को एक सम्मान दे, वो लोग उन लोगों को वो पहचाने। तो बस आज के लिए इतना ही, वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को अभी से लाइक करें और ये जो वीडियो है ये वीडियो सबके साथ शेयर करें, क्योंकि दोस्तों ये जो
बड़े बिल्डर है, अपनी खुद की मेहनत से इतना बड़ा मकाम हासिल कर रहा है, इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं, उन लोगों को एक सम्मान मिलने के लिए ये वीडियो सबके साथ शेयर करें क्योंकि सब उन लोगों को पहचाने। और ऐसे इंटरेस्टिंग और अपडेट न्यूज़ पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए सुस्त रहे, सलामत रहे, जय हिंद, वंदे मातरम।